हमारा ये खीरा आधे एकड़ से थोड़े से कम क्षेत्र में लगा हुआ है। हमारा ये प्लाट आधे एकड़ का है और यहाँ पर हमने जो बुआई किया था अप्रैल महीने के पहले सप्ताह में किया था। आज की जो तारीख है 3 जून 2021 है और करीब 60 दिन का ये खीरा हो चुका है। 45 दिन के आसपास से हार्वेस्टिंग शुरू हुई थी, करीब 15 दिन से हम यहाँ पर हार्वेस्टिंग ले रहे हैं। पिछले 10-15 दिनों में यहाँ पर 2-3 बार बारिश हुई है, जिस वजह से खीरे में फंगस का और रस चूसक कीड़ों का अटैक थोड़ा सा बढ़ा है और वैसे इस समय खीरे का रेट भी अच्छा चल रहा है। तो अभी जब तक हैवी रेन ना हो तब तक हम यहाँ पर अच्छा प्रोडक्शन ले, इसके लिए हम यहाँ पर कुछ दवाओं का स्प्रे करने जा रहे हैं। किसान भाइयों नमस्कार, मैं फार्मर राहुल पटेल पंचोटी ऑर्गेनिक पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। किसान भाइयों जैसा कि हमारा जो खीरा है इसमें हम 15 दिन के आसपास से हार्वेस्टिंग ले रहे हैं, अभी यहाँ पर कुछ सीएमवी वायरस के लक्षण दिख रहे हैं तो इसके लिए हम कुछ यहाँ पर दवाओं का स्प्रे करने जा रहे हैं और ये एक नई दवा है, इसका अभी तक हमने प्रयोग भी नहीं किया है तो इसमें हम एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हैं कि इस दवा का कैसा रिजल्ट खीरे में रहता है। तो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को इसी दवा के विषय में जानकारी देने वाले हैं। हम जिस दवा का स्प्रे करने जा रहे हैं ये लाइसोरस नाम से दवा आती है और ये बैक्टीरिया और वायरस दोनों को कंट्रोल करता है। इसमें जो मेन ये दवा है 1 ग्राम का ये मेन इसकी दवा है और ये दूसरा है ये 50 ml इसके साथ एक्टिवेटर दिया हुआ है। और इस दवा का जो हमें प्रयोग करना होता है ये जो इसमें ये लाइसोरस दवा है इसको हमें एक्टिवेटर में मिलाना होता है और इसके मिलाने के 4 घंटे के अंदर ही हमें स्प्रे करना होता है। जो हमारा मेन 1 ग्राम की दवा आती है इसको हमने 4 भागों में बांट दिया था और एक भाग हमने इस डिब्बे में रखा हुआ है और इसमें से जो हमारा एक्टिवेटर है ये 50 ml है, इसे हम 4 भागों में बांटेंगे और 12.5 ml एक्टिवेटर हम इस दवा में मिलाएंगे। एक्टिवेटर एक तरीके से स्टिकर ही होता है और इस दवा को इसमें मिलाने के बाद फिर हमें एक अंदाज़ा मिल जाता है हमें कितना दवा इसमें डालना है। तो हम यहाँ पर जो 12.5 ml स्टिकर डालेंगे, जो एक्टिवेटर डालेंगे, इसके बाद हम दवा को अच्छे तरीके से मिला देंगे और ये जो दवा है ये 45 लीटर पानी के लिए हो जाएगा। कुल मिलाकर इस डिब्बे में हमने 12.5 ml एक्टिवेटर मिला कर रखा है और इसके बाद यहाँ से ढक्कन बंद करके इसको अच्छे तरीके से इसमें मिला देंगे। और अच्छे तरीके से मिल जाने के बाद इस दवा को हम 45 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करेंगे। किसान भाइयों ये जो हमारा एक्टिवेटर है इसको हम इसी तरीके से बंद कर कर रख दे रहे हैं और अभी ये हमारा 3 रोज और होगा और इसको हम एक एक सप्ताह के अंतराल पर हम यहाँ पर 4 बार स्प्रे कर सकते हैं और अभी फ़िलहाल हम 2 बार स्प्रे करेंगे और इसके बाद देखते हैं इसका क्या रिजल्ट आता है। और ये दवा आगे के लिए सुरक्षित रख दिया गया है और आज का जो हमें स्प्रे करना है वो यहाँ पर हमने 12.5 ml दवा बनाया हुआ है और इसका भी स्प्रे करना। किसान भाइयों स्प्रे करने के समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए, हमें हमेशा शाम के समय, दोपहर के बाद, शाम करीब 4 बजे के आसपास के या उससे बाद ही स्प्रे करना चाहिए, जिससे तेज़ धूप नहीं होती है और दवा का अच्छा रिजल्ट मिलता है। और जब भी हमें स्प्रे करना होता है हमें साफ़ पानी का प्रयोग करना चाहिए। साफ़ और ताज़े पानी का प्रयोग करेंगे तो दवा का हमें बेहतर रिजल्ट मिलेगा और यदि हम गंदे पानी का प्रयोग करते हैं, मिट्टी ज़्यादा होगी उसमें, तो दवा का हमें अच्छे तरीके से रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। ये जो हमारी टंकी है 20 लीटर की टंकी है, यहाँ पर हम 18 लीटर पानी लेंगे और इस तरीके से बाद में जो हमारा 2.5 ml दवा बचेगी उसको हम 9 लीटर पानी में प्रयोग करेंगे। यहाँ पर अभी हम 5 ml दवा ले रहे हैं और ये हमारा 5 ml जो दवा है इसको हम इस टंकी में डाल देंगे। यहाँ पर हमें कुछ भी और नहीं मिलाना है और किसी भी चीज़ को यहाँ पर मिलाने की ज़रूरत नहीं है और मिला भी नहीं सकते हैं। हमने दवा को मिला दिया है और अब यहाँ पर हम दवा को स्प्रे करेंगे। इससे अच्छे तरीके से हमें पौधे को भिगो देना है। यहाँ पर कई पौधे हैं जिसमें हमें वायरस के लक्षण दिख रहे हैं लेकिन इसमें काफ़ी पौधे स्वस्थ भी हैं। किसान भाइयों बरसात के समय में रस चूसक कीड़ों का काफ़ी प्रभाव बढ़ जाता है और इनका कंट्रोल भी अच्छे तरीके से नहीं हो पाता है,
पिछले साल हमने बरसात के समय में ही क्रिस्प खीरा लगाया था, जो कि VNR कंपनी की एक नई वैरायटी थी और उसको ट्रायल करने के लिए हमने लगाया था। और क्योंकि बरसात में खीरे का रेट काफ़ी अधिक रहता है और अच्छे क्वालिटी के जो खीरे थे वो 40 रुपये KG बिक रहे थे, लेकिन जो हमारा खीरा था इसमें CMV वायरस आ गया था। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो पौधा है इसमें भी CMV वायरस के लक्षण हैं। और इस तरीके से पौधे की जो इसमें थोड़ी सी कुछ पुरानी पत्तियाँ हैं ये भी छोटी छोटी हैं, ये और ये देख सकते हैं, और पीलापन लिए हुए हैं। और इसी तरीके से आगे भी आपको दिखाएंगे, यहाँ पर एक पौधा है जो आगे दिख रहा है, इसमें भी CMV वायरस के लक्षण हैं। और ये वाला जो पौधा है इसकी जो पत्तियाँ हैं ये भी CMV वायरस के लक्षण दिख रहे हैं इसमें। तो इस तरीके से पिछली बार हम बरसात में इसका अटैक हुआ था हमारे खीरे में, और काफ़ी कुछ इसमें हमने कंट्रोल करने के लिए कई दवाओं का स्प्रे किया था, तो कंट्रोल तो हो जाता था लेकिन स्प्रे के एक सप्ताह बाद फिर से वही असर दिखना शुरू हो जाता था। और यहाँ पर भी देख सकते हैं इसमें भी CMV वायरस है, जो ये हल्का सा पीलापन और हरापन लिए हुए जो धानी रंग की पत्तियाँ हो जाती हैं, और ये पौधा है इसमें भी ये CMV वायरस है। तो किसान भाई, इस तरीके से खीरा की जो खेती होती है, आप इसमें जायद के समय की जो खेती, मतलब जो आप फरवरी मार्च अप्रैल में लगाते हैं उस समय तक इसमें दिक्कत नहीं आती, लेकिन जो बरसात के समय में इसमें खीरा पहुंचता है, यहाँ पर हमने देखा है, पिछले साल भी देखा है, दिक्कत अधिक आती है। और जब इसमें CMV वायरस लगते हैं तो जो खीरे का साइज होता है ये बेडौल हो जाता है, ये कहीं पर पतला होता है, कहीं मोटा हो जाता है, और सही ढंग से खीरे नहीं बनते हैं और उसका मार्केट में रेट भी नहीं मिलता। पिछले साल हमने जो खीरा लगाया था, हमने क्रिस्प वैरायटी लगाया था, फलन तो अच्छा आ रहा था, लेकिन हमें जो रेट मिलता था वो 30 रुपये KG मिलता था, क्योंकि जो अच्छे खीरे के रेट थे वो 40 रुपये KG था, लेकिन खीरा हमारा अच्छा नहीं था और इसी वजह से जो रेट डाउन जा रहा था। तो किसान भाइयों, आगे अभी इसमें स्प्रे कर रहे हैं और एक सप्ताह बाद दूसरा ही भी स्प्रे करेंगे, और जैसा भी रिजल्ट रहता है आप लोगों को इस दवा के विषय में फिर आगे जानकारी देंगे। बारिश के बाद काफ़ी सब्जियों के उत्पादन में कमी आई थी, जिन क्षेत्रों में पानी लगता था, जहाँ पर पानी रुकता था वहाँ पर तो काफ़ी नुकसान हुआ था, और यही वजह रहा है कि सब्जियों का रेट इधर बढ़ गया है, क्योंकि अभी लगन का भी सीजन चल रहा है और आज की तारीख जो है 3 जून 2021 है, और आज कल परसों मतलब 5 तारीख तक इधर लगन है, फिर 10-12 तारीख के आसपास में उधर है। किसी भी सब्जी का जो रेट है मंडी में डिमांड और सप्लाई पर निर्भर करता है, यहाँ पर हम किसी भी तरीके से गलत रेट नहीं बता रहे हैं, हमने जो रेट जिस रेट में बिक्री किया उसी रेट में के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बारिश हुआ है और काफ़ी सब्जियों में नुकसान हुआ है, और मई का जो सीज़न था इसमें काफ़ी लगन का भी सीज़न था, तो इस वजह से खीरे का रेट हमें अच्छा मिला था, और अब क्योंकि लगन का सीज़न आगे चलकर डाउन होने वाला है तो खीरे का रेट भी डाउन हो रहा है। और 26 मई के डेट को जो हमें खीरे का मैक्सिमम रेट मिला था, उस दिन जो हमारा खीरा था 60 KG खीरा हमारा 28 रुपये के हिसाब से बिका था, और बाकी जो हमारा बचा हुआ खीरा था उसको हमने 30 रुपये के हिसाब से बेचा था, और उस दिन मंडी में जो खीरे और बिके थे वो 35 रुपये से लेकर 40 रुपये तक का भी खीरा बिका था। आज हमने दवा का स्प्रे कर दिया, जैसा भी रिजल्ट होगा हम आप लोगों को बताएंगे। कल हमने दवा का स्प्रे किया था, आज खीरा तुराई करके हम मंडी ले गए थे, काफ़ी अच्छा क्वालिटी का खीरा निकला है, करीब 1 क्विंटल 20 KG के आसपास टोटल खीरा था, लोग यहां पर 25 रुपये KG तक भी इसको देने के लिए तैयार थे, लेकिन हमने थोक में इसको नहीं बेचा। नए खीरा 3000 खीरा भैया 3000 ना है भैया 2000 ना हाँ में मके 2500 पड़ी है ना है 2000 के ना भैया 3000 की पड़ी भैया कम ना 2500 में बोरवे मांगत रहे ना देंगे आज ना है भैया 25 में ना पड़ी अभी बाद में डाउन हो जाए भले भी किया 25 में अभी 25 में ना अंत में फुटकर विक्रेता भी 30 रुपये KG में ही खीरा लेकर गए और जो हमारा मैक्सिमम खीरा था 30 रुपये KG बिका था। यहाँ बाद में जो खीरे बचे हुए थे उसमें से करीब 8.5 KG खीरा हमारा 20 रुपये KG के हिसाब से बिका था और 7 KG खीरा हमारा 15 रुपये KG के हिसाब से हमने बेचा था। और हमारी आज की वीडियो में बस इतना ही, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और एक नई वीडियो के साथ जल्दी आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।